ये ला चुके हैं हम शॉप के बाहर, ताकि एक आइडिया रहे कि इस तरीके की मोटिवेशन जब आप कराते हो तो रात में कैसा व्यू आता है। तो मत पड़ो चक्कर में, कोई भी नहीं है टक्कर में। तो टॉपिक रहेगा, वो रहेगा होंडा SP125, क्योंकि आप देख सकते हो यूपी नंबर है ये, अलीगढ़ से आ रखी है अपने पास। कहते हैं डुप्लीकेट दुकानदार पे, और वो दुकानदार भी देख रहा है मुझे पता है ये वीडियो। बोले भाई मैं तो सिकंदर भाई के पास जाऊंगा, क्योंकि उन्हीं की वीडियो देखी है। कहाँ पड़ता है? मेरा पड़ता है अलीगढ़। वीडियो देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ताकि बिफोर एंड आफ्टर आपको आइडिया हो सके कि मॉडिफिकेशन के बाद और मॉडिफिकेशन से पहले बाइक कैसी दिखती है। तो आप बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर रखी है भाई इसकी, देखो। इसके अलावा इसका हैंडल बार चेंज करा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखो ये इसका वाइज़र आ गया, तो ये वाइज़र लगाएंगे। टायर हैगर सिंगल साइड फिटिंग, वो भी प्रॉपर मेटल वाला, जिसमें आपको मिलते हैं कुछ इस तरीके के रिफ्लेक्टर। इसके बाद लगाने वाले हैं इसमें हैंड ग्रिप सिमटेक का हैज़ार्ड, जिसमें आपको गारंटी मिल जाती है, कार्ड भर के दिया जाता है। LED वाले हैंड गार्ड इसमें लगा रहे हैं, इसमें कलर काफ़ी सारे मिल जाएंगे। अगली चीज़ मोबाइल होल्डर, ये तो ये कुछ इस तरीके से है, अनब्रेकेबल। ये है फॉग लैम्प की क्लैंप पड़ती है, तो ये इसलिए रहता है। HJG की ओरिजिनल यहाँ पर आ चुकी है मिनी ड्राइव फॉग लाइट, जिसमें आपको दो कलर मिलेंगे, येलो एंड वाइट। इसी तरीके का कोई चलान नहीं है, डबल, यानी कि एक सेट पूरा इसका डबल का। सस्पेंशन की प्रोटेक्शन के लिए आधा किलो करीब वेट है इनका, तो बहुत ही हैवी क्वालिटी में। ये हैवी वाला क्रैश गार्ड, और इसमें आपको देख सकते हो कुछ इस तरीके से स्लाइडर्स वगैरह भी साथ में मिल जाते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू SKD बाइक वर्ल्ड। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, मेरा नाम है सिकंदर। जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखी लिया, आज के सीनरी में टॉपिक रहेगा, वो रहेगा होंडा SP125, जो कि आप देख सकते हो यूपी नंबर है, ये अलीगढ़ से आ रखी है अपने पास। और इसमें जो मॉडिफिकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो मैं आपको एक एक करके दिखाना चाहूंगा, लेकिन पहले आप इसकी कंडीशन देख लो, ताकि बिफोर एंड आफ्टर आपको आइडिया हो सके कि मॉडिफिकेशन के बाद और मॉडिफिकेशन से पहले बाइक कैसी दिखती है, फिर कस्टमर से ही मिलवाएंगे। तो अभी इसमें PPF वगैरह जो है ये सब खराब हो चुकी थी, ये चेंज हो रही है, ये देख सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर रखी है भाई इसकी, देखो। इसके अलावा इसका हैंडल बार चेंज करा रहे हैं, जो हैंडल बार इसमें आता है वो नहीं, दूसरा हैंडल बार लगा रहे हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर सारा सामान हमने निकाल रखा है इसका। सबसे पहले यहाँ पर आप देखो ये इसका वाइज़र आ गया, तो ये वाइज़र लगाएंगे, एक ही वाइज़र हो गया। इसके अलावा अगली चीज़ यहाँ पर टायर हैगर सिंगल साइड फिटिंग, वो भी प्रॉपर मेटल वाला, जिसमें आपको मिलते हैं कुछ इस तरीके के रिफ्लेक्टर, तो ये लगाएंगे। इसके बाद लगाने वाले हैं इसमें हैंड ग्रिप, कुछ इस तरीके की हैंड ग्रिप इसमें लगाएंगे, काफ़ी कंफर्टेबल है। सिमटेक का हैज़ार्ड, जिसमें आपको गारंटी मिल जाती है, कार्ड भर के दिया जाता है, ख़राब होता है तो आपको नया मिल जाता है प्रॉपर, कुछ इस तरीके से। बाकी अपने पास फ्लैश एक्स का भी मिल जाएगा अगर आप लगाना चाहते हो तो। LED वाले हैंड गार्ड इसमें लगा रहे हैं, जिसमें आपको इंडिकेटर का ऑप्शन मिलेगा और प्रॉपर लुक आएगी, बहुत ही ज़बरदस्त दोनों साइड से। इसमें कलर काफ़ी सारे मिल जाएंगे, ठीक है जी, ये हो गया। अगली चीज़ मोबाइल होल्डर, अपने पास काफ़ी सारी क्वालिटी के मिल जाएंगे, तो ये कुछ इस तरीके से है, अनब्रेकेबल, ये देख सकते हो। ये है फॉग लैम्प की क्लैंप, जिसमें किसी भी तरीके का लूजिंग नहीं आएगी, वाइब्रेशन से ना फॉग लाइट ढीली नहीं पड़ती, तो ये इसलिए रहता है। यहाँ पर ये आ गई फॉग लाइट मिनी ड्राइव ओरिजिनल वाली, तो ये भी लगाने वाले हैं इसमें। HJG की ओरिजिनल यहाँ पर आ चुकी है मिनी ड्राइव फॉग लाइट, जिसमें आपको दो कलर मिलेंगे, येलो एंड वाइट। छोटी सी है, लेकिन फोकस इसका आप दिखाएंगे जब इंस्टॉल हो जाएगा ना, मज़ा आ जाएगा। हॉर्न लगा रहे हैं इसमें, किसी तरीके का कोई चलान नहीं है, डबल, यानी कि एक सेट पूरा इसका डबल का, तो ये लगाने वाले हैं। एंड यहाँ पर देखोगे तो फोर स्लाइडर लगा रहे हैं ब्लैक कलर के, सस्पेंशन की प्रोटेक्शन के लिए। आधा किलो करीब वेट है इनका, तो बहुत ही हैवी क्वालिटी के हैं। और यहाँ पर आ गए आपके जो है बॉडी इंडिकेटर, ये आ गया स्विच, इसके साथ साथ में ये हैवी वाला क्रैश गार्ड, और इसमें आपको देख सकते हो कुछ इस तरीके से स्लाइडर्स वगैरह भी साथ में मिल जाते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो पहले ये सारा सामान ऐड कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं फाइनल रिजल्ट। इसके इंडिकेटर इसमें लग चुके हैं, देख सकते हो, PPF का काम भी इसमें शुरू हो चुका है। इसके अलावा हैंडल बार चेंज हो गया है, मिरर लग गए इसमें LED वाले डबल साइड इंडिकेटर के साथ, हैंड गार्ड लग गए, वाइजर लग गया, फोर स्लाइडर एंड यहाँ पर बॉडी इंडिकेटर। और अभी इसमें काफ़ी सारे काम और पेंडिंग है, तो वो भी कर लेते हैं और फिर आपको दिखा देते हैं। फिलहाल अभी कुछ यहाँ तक इंस्टॉलेशन हो पाई एक्सेसरीज की। तो गाइस, आप चेक कर सकते हो आप फाइनल रिजल्ट फॉर होंडा SP125, जितनी भी आपको शुरू में दिखाई थी कंडीशन। तो सबसे पहले आप चेक करो उसको PPF लेमिनेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेकार हो रही थी और पूरे के पूरा ख़राब हो रहा था। तो हमने क्या किया, PPF लेमिनेशन की, जो पहले हो रखी थी वो बहुत ज़्यादा वाहियात थी, तो उसको हटाकर PPF लेमिनेशन और उसके ऊपर से डिज़ाइनिंग, जो कि यहाँ पर डिज़ाइनिंग देख सकते हो आप, वही डिज़ाइनिंग PPF के साथ और ऊपर से डिज़ाइनिंग यहाँ पर देख सकते हो, मडगार्ड पे, इसके वाइज़र पे, टैंक पे और छोटा सा सीट हैंडल पे। तो एक कॉम्बिनेशन ले लिया हमने ग्राफिक का और PPF लेमिनेशन का, ठीक है। जिसके अलावा एक यहाँ पर वाइज़र लगा रखा है, बबल वाइज़र, जो बहुत ही हैवी लुक दे रहा है इसको, और एक नज़र में लगती नहीं है कि आप लोगों की होंडा SP125 है। इसके अलावा हमने यहाँ पर लगाए फोर स्लाइडर्स, जो कि सस्पेंशन की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, गलती से ही बाइक गिरता तो सस्पेंशन वगैरह डैमेज नहीं होते हैं, लुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा किलिंग आ जाता है। अंदर लगाया हमने हॉर्न जो आपको दिखाए थे, जिसमें किसी तरीके का कोई चलान का इशू नहीं होता है। साउंड आपको सुना देता हूँ उसका,
इसके अलावा हमने क्रैश गार्ड लगाया डबल स्लाइडर के साथ, यहाँ पर प्रॉपर फिटिंग के साथ। थक गए हो तो राइड करते करते पैर रख सकते हो, और इसका फ्रंट से अगर आप लुक देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा किलिंग आ रहा है, काफ़ी बल्की है, सेफ्टी पॉइंट को लेकर ज़रूरी है। आपका बैंड पाइप सेफ है, आपका टैंक सेफ है, आपके इंजन, आपके लेग्स, ये वाला पार्ट भी आपका सेफ हो जाता है। दो स्लाइडर मिल जाते हैं, कभी गिर जाते हैं दूसरे भी मिल जाते हैं आपको। इसके अलावा यहाँ पर हमने लगा रखी फॉग लैंप्स, साथ में हमने लगा रखी क्लैंप ताकि किसी तरीके का लूजिंग ना आए। यहाँ पर आ गया इसका स्विच, और इसको करते हैं ऑन। आपको दिखाते हैं कुछ इस तरीके, देखो इसमें एक येलो का फोकस आपको मिल जाएगा, एक वाइट का मिल जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फोकस है इसका। और हो सका तो बाहर ले जाके अभी इसका फोकस भी आपको टेस्ट करा देंगे। साथ ही हमने लगाया सिमटेक का हैज़ार्ड, जिसमें आपको 23 तरीके के पैटर्न मिलेंगे, जो आप देख पा रहे हो इसमें पैटर्न एक्टिवेट हो चुके हैं। और इसके पैटर्न को चेंज करने के लिए आपको इंडिकेटर वाले स्विच को दाएं बाएं बीच में दबाना है, यानी कि लेफ्ट राइट बीच में प्रेस, या फिर राइट लेफ्ट बीच में प्रेस आप करते हो तो पैटर्न चेंज हो जाते हैं। देख सकते हो इसका पैटर्न कुछ और है, ये पैटर्न जो है आप देख पा रहे हो, ये सारे इंडिकेटर को एक साथ जलाता है, यानी कि चारों इंडिकेटर को। इसमें खैर ज़्यादा इंडिकेटर का काम हो गया। सबसे पहले आप देखो इसमें इंडिकेटर, तो जो इंडिकेटर है वो भी हमने दूसरे लगाए KTM वाले, वो भी चार का सेट, यानी कि पीछे प्लस आगे सब तरफ हमने इंडिकेटर चेंज कर दिए ताकि पूरा कॉम्बो रहे। वहीं यहाँ पर आप देखोगे इंडिकेटर के अलावा हैंड गार्ड लगाए, इसमें भी आपको इंडिकेटर का ऑप्शन मिलेगा, और हैंड गार्ड से काफ़ी बल्की लुक आ रहा है। यहाँ पर हैंड ग्रिप भी हमने लगा रखी है ताकि काफ़ी कंफर्टेबल रहे। और जो बात कर रहा था मैं हैंडल बार की, तो हैंडल बार पूरा चेंज हो गया, आप देखो इसका पूरे का पूरा चार्म बदल चुका है, काफ़ी कंफर्टेबल है। और जैसे कि आपको पता ही है कि बाइक थोड़ी सी दूर से आ रखी है तो चलाने में भी आसानी रहेगी। इसके अलावा हमने मिरर लगाया जिसमें आपको इंडिकेटर का साइन मिलेगा डबल साइड, इस साइड भी, और आप उस वाले मिरर में देख लो इस साइड भी, यानी कि डबल साइड इंडिकेटर है। सामने वाला राइडर, पीछे वाला राइडर, अटेंशन लेने वाली चीज़ है। यहाँ पर तो इंडिकेटर होते ही हैं, लेकिन जब यहाँ पर इंडिकेटर होते हैं तो कुछ नया हो जाता है। और ये जो मिरर है, प्रॉपर फिनिशिंग देख सकते हो इसमें, आपको मिल जाएगी कार्बन की, कार्बन की फिनिशिंग के साथ में से मिरर लगा रखे हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त लुक के साथ गाइस। वहीं यहाँ पर बॉडी इंडिकेटर और लगा रखे ताकि रात में गाड़ी निकले तो कोई नज़रअंदाज ना कर पाए। ये देख सकते हो, अगर मैं नॉर्मल इंडिकेटर दूँ तो ये कुछ इस तरीके से इसका लुक आ रहा है। यहाँ पर एक मोबाइल होल्डर लगा रखा है नेविगेशन के साथ, मोबाइल नहीं लगाया, मोबाइल कस्टमर गई है, मोबाइल होल्डर लगाया है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर कुशनिंग के साथ में सीट कवर, बहुत ही प्रीमियम लुक, चेक करो यार फिनिशिंग, कलर कॉम्बिनेशन भी बाइक से मैच करते हुए हमने लिया है, और काफ़ी कंफर्टेबल है। ठीक है, आप चाहो तो सोफ़ा सीट भी बनवा सकते हो, टूरिंग सीट भी बनवा सकते हो। टायर हैगर लगाया, सिंगल साइड फिटिंग विद रिफ्लेक्टर, ये रिफ्लेक्टर से पीछे से लाइट पड़ती है ना, तो ये हाईलाइट करते हैं और बाइक की विजिबिलिटी बढ़ाते हैं कि आगे भी कोई गाड़ी चल रही है, मिट्टी वगैरह अंदर ना जाए, इसी के लिए रहता है ये। यहाँ से भी देख सकते हो आप लुक, तो ऑल अबाउट जो बाइक है वो काफ़ी ज़्यादा किलिंग बन चुकी है, और यहाँ पर आके इस बाइक की मॉडिफिकेशन हो जाती है कम्प्लीट। ये ला चुके हैं हम शॉप के बाहर ताकि एक आइडिया रहे कि इस तरीके की मॉडिफिकेशन जब आप कराते हो तो रात में कैसा व्यू आता है और कैसा फोकस वगैरह, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख लो इसमें LED जो है मिरर लगा रखे हैं, इसका फोकस कैसा है, हैंड गार्ड देख सकते हो, इसके अलावा फॉग लैंप्स का ही फोकस, इसको भी सेट भी कर देते हैं हैंड टू हैंड, ये देखो गाइस। और इसमें येलो एंड वाइट दो आपको मिल जाएंगे, अभी फिलहाल येलो चल रहा है, वाइट भी देख सकते हो गाइस, देख रहे हो। तो ये है, अब इसका फोकस सेट करना बाकी है, इसके लिए कुछ नहीं करना, हल्का सा लूज करके इसको फोकस सेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, देखो ये हो रहा है ना सेट, इसी तरीके से सेट हो जाएगा ये, ये देख सकते हो गाइस। अगर मैं ऑफ करूं, अभी भी इसमें स्ट्रीट लाइट वगैरह जल रही हैं, फिर भी काफ़ी अच्छा फोकस पता चल जाएगा आपको, ये देख सकते हो गाइस। अब बात कर लेते हैं कस्टमर से कि उन्हें ये काम कैसा लगा। तो जैसा कि आप लोगों ने बाइक की सारी एक्सेसरीज देख ली, मॉडिफिकेशन देख ली, शुरू से लेके एंड तक आप आ चुके हो, तो ये है इस बाइक के ओनर जो कि यहाँ पर आए थे। कहाँ से आए थे भैया एग्जैक्टली, नाम क्या है? मैं अलीगढ़ से, मोहम्मद समीर। आपका जो है एग्जैक्ट कहाँ पड़ता है? मेरा पड़ता है अलीगढ़ कुवारसी चौराया जीवनगढ़। पूरे एड्रेस बता दिया, कितने किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? 160 किलो। यहाँ कैसे पहुँचे आप? यहाँ मैं आपकी वीडियो देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर। क्या आप भी देखते हैं? देखते हैं तो फॉलो करें। तो कैसा लगा काम भाई, मजाक से हट के थोड़ा सीरियस? काम मुझे बहुत बेहतरीन लगा, एक नंबर काम, आप जैसा काम कोई भी नहीं करता। अरे यार, मैंने पहली बार करा है काम। ठीक है, तो कैसा लगा काम, ऑल अबाउट? क्या कहोगे अगर कोई दूसरा बंदा आना चाहता है? भाई काम, आप आइए और काम करवाइए, काम बहुत बढ़िया, और नकली से बच जाइए, क्योंकि पहले चले गए थे डुप्लीकेट दुकानदार पे, और वो दुकानदार भी देख रहा है मुझे पता ही है वीडियो। सिकंदर भाई के पास जाऊंगा कि उन्हीं की वीडियो देखी है, तो मत पड़ो चक्कर में, कोई भी नहीं है टक्कर में। बाकी कहने का मतलब ये है कि जो आप यहाँ पर आए हो इतनी दूर से, आपने यूट्यूब पर देखा, तो यहाँ पर आके आपकी मेहनत सफल होती है या फिर नहीं होती है? जी, मेहनत पूरी सफल होती है। नेक्स्ट बाइक कौन सी ला रहे हो? नेक्स्ट बाइक MT लाओगे जी? भाई MT के लिए सब्सक्राइब कर लेना, और SP के लिए भी सब्सक्राइब कर लेना। और ये है आप लोगों की होंडा SP125, जो कि कर दिया हमने पूरे के पूरे इसको मॉडिफाइड। इसके अलावा भी काफ़ी और भी चीज़ें इसमें ऐड हो सकती थी, लेकिन इतना इनफ था क्योंकि टाइम का भी एक दायरा था, इन्हें जाना भी है वापस अभी। तो
क्या कहोगे जनता से एक आखिरी बात, आना चाहिए नहीं आना चाहिए कुछ भी? जी आना चाहिए। सही लगा हूँ, बहुत बढ़िया भैया। 11 बजे जाने तो छोड़ दो बस मुझे। चलो भाई मिलते हैं अगली वीडियो तक, टिल देन गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।